आपसे टेकेम के चार्ट्स पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, खबर काफी पॉजिटिव है और उसके चलते स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, गिरते बाजार में भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, पर जिन स्तरों पे ये है, क्या यहाँ से और भी अपसाइड की आपको गुंजाइश लगती है? क्योंकि हर समय इन्हीं स्तरों से कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार यू टर्न जरूर लेता है, क्या इस बार यू टर्न लेगा या फिर तेज रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है? देखिए, स्ट्रक्चर ओवरऑल स्टॉक का अच्छा ही है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे अगर आप इसके चार्ट्स आवली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 1155 1160 जो आज के हाई लेवल्स हैं वो एक क्रिटिकल जंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेश मुझे बाय अगर करना है तो मैं 1160 की आवली क्लोज अगर आती है तो बाय करूँगा, तब मेरे स्टॉप लॉस जो होंगे 1140 1135 के होंगे और मैं 1200 के लिए प्ले कर सकता हूँ, उसके ऊपर के लिए लेवल्स आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं करंट जंक्शन पे मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा, है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश एंट्री अगर मुझे करनी है तो मैं 1160 के आवली क्लोज के ऊपर ही करूँगा। ठीक है, टेक महिंद्रा में ये बड़ी तेजी। मोहित जोशी अब नए एमडी एंड सीईओ होंगे, बागडोर संभालेंगे कंपनी की। और तेजी की वजह यह है कि पिछली जो चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट लेवल पर बड़ी चार कंपनियों में, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब में हमने बड़ी तेजी देखी है और बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है उन कंपनियों की। वही वजह है कि बाजार भी आज स्टॉक को रीरेट करने की कोशिश कर रहा है। और इस कमजोरी वाले बाजार में अच्छी चीज़ यह है कि जो मजबूती थी उसको अभी तक गंवाई नहीं है शेयर ने। करीब करीब 7% के आसपास की तेजी शेयर में हमें दिख रही है।